नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल के विश्राम गृह में भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्याण ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरोत और महिला जिला अध्यक्ष ललिता समेत तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्याण ने कहा कि भाजपा की ओर से पूरे हरियाणा में महिलाओं के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उनकी ओर से हर जिले में जाकर महिलाओं की बैठक ली जा रही है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा और भाजपा की सरकार है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो भी वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया है, चाहे वो महिलाओं को चुनावों और युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात हो या बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी का संगठन प्रदेश में काफ़ी मजबूत है और विधायक नैना सिंह चौटाला के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरे प्रदेश में हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। जी जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम मीटिंग ले रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार में महिलाओं ने नैना सिंह के नेतृत्व में जो हरी चुनरी चौपाल हुई, हमने वादे किए थे कि महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार बनी और हमारी सांझे की सरकार में हमारा साझेदारी रही और नैना सिंह ने पहले ही 17वें विधानसभा के शासन काल में उठाया कि महिलाओं को 50% पंचायती राज में होना चाहिए। जब महिलाएं 50% है तो अधिकार भी 50% हो। और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नैना सिंह की बात सुनी और कानून लागू करके ने वो लागू करने का कार्य किया। महिला विंग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जन नायक जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। नैना सिंह के नेतृत्व में फिर से हम महिला चौपाल करने जा रहे हैं। आज महिला आप देख रहे हो सभी जागरूक है। पंचायती 50% देने के बाद काफी महिलाएं सरपंच और जिला परिषद चुनी हुई है। आज वे बाहर निकल के काफी महसूस कर रही है कि हमारा महिलाओं का अधिकार मिले। इस तरह से कब से शुरू होने वाला है चुनरी चौपाल? चुनरी चौपाल इसमें फर्स्ट वीक में करेंगे, जून में पूरे हरियाणा प्रदेश में करेंगे। और अब मैंने ये सातवां जिला है जो 7 जिले में मीटिंग कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो कार्य किए, चाहे विकास के कार्य की बात हो, चाहे बच्चों की रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, आज एक ही मुद्दा है कि दुष्यंत चौटाला ने जो विकास किए हम जननायक जनता पार्टी के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।